Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and today we will discuss a very important indicator in this educational series Learn with Upstocks. Volume एक ऐसा indicator है basically जो इतना important है कि आपको क्या बताऊं, other indicators are derived from volumes like ADX, like there are a lot of indicators जो इस indicator के through derive होते हैं. तो volumes क्या होते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, लेट्स से वन डे, एक दिन में कितने शेयर्स एक्सचेंज हुए, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं. तो अब इस इंडिकेटर की इतनी ज्यादा वैल्यू है कि आपको ब्रेकआउट्स ढूंढने में मदद करता है, फेक ब्रेकआउट्स में मदद करता है, एंड दिस इज यूज्ड टू क्रिएट एन नंबर्स ऑफ अदर इंडिकेटर्स. तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना इसी को पढ़ लें. अगर हम इस चीज को जानेंगे कि ये कैसे काम करता है तो बाकी चीजें भी हमारे लिए आसान हो जाएंगी. सो आई टेल यू हाउ टू अप्लाई दिस. तो अगर आप ये चार्ट देखते हैं, देखो ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है. आप भी चाहते हैं ना ऐसे कि स्टॉक आपके हाथ लग जाए कि यार इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है ये आपको मालूम चल जाए. तो ये आपको कैसे मालूम चलेगा? इसके लिए आप इंडिकेटर्स की लिस्ट में जाएंगे, आप वॉल्यूम वर्ड टाइप करेंगे, बहुत सारे इंडिकेटर्स हो जाएंगे. जैसा कि मैंने बोला, वॉल्यूम ऑसिलेटर, ओबीवी, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, सबको इग्नोर करना है, सिर्फ वॉल्यूम जिसमें लिखा है इस पर क्लिक करना है. यार आपके सामने आ गया, आपको सबसे पहले ना इसकी सेटिंग्स पे जाना है और यहां पे स्टाइल में आपको जो दिख रहा है वॉल्यूम के साथ साथ वॉल्यूम एमए जो है वॉल्यूम मूविंग एवरेज, इसको ऑन करना है. क्यों करना है? बड़ा सिंपल सा काम है, पहले ऑन कर दो. ऑन करते पीछे देखना आप, एक लाइन सी बन गई, दिख रहा है आपको, एक लाइन, ब्लैक लाइन आ गई. ये ब्लैक लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, डिस्कस करेंगे. तो ये यूजली बंद रहता है लोगों के कंप्यूटर में, आपको इसको चालू करना है. अगर आपके इनपुट में 20 को छोड़ के कुछ और लिखा है, 5, 10 चेंज करके आपको उसको 20 करना है. तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, टर्न ऑन द मूविंग एवरेज, चेंज द नंबर टू 20. इसको करने के बाद ओके दबाना है आपको, और हो सके तो सेव एज डिफॉल्ट कर दोगे तो हमेशा के लिए सेटिंग आपकी बन जाएगी. ओके किया मैंने. अब देखना है नीचे जो आपको रेड और ग्रीन कलर की चीजें दिख रही है, ये क्या है? क्या है यार ये वॉल्यूम्स है. वॉल्यूम मतलब जैसे अगर मैं देखो माउस यहां पे रखता हूं, देखो माउस यहां रखा मैंने, तो देखो टॉप यहां इस जगह पे देखना नंबर्स आएंगे. देखो क्या आ रहा है वहां पे, 16 मिलियन. ब्लैक लाइन क्या है? ब्लैक लाइन का थ्रेशोल्ड है वो. आप सिर्फ नंबर देखो, पहला वाला 21 मिलियन. क्या है 21 मिलियन जो शेयर्स एक्सचेंज हुए हैं उस दिन पे, ये डेली कैंडल है. 19 मिलियन. सो दिस इज टेलिंग यू द नंबर्स. ये तब तो थ्योरी हो गया, अब इसको यूज कैसे करना है. अब कॉमन सेंस कहता है सर बड़ा जो बड़ी सी जो बार जो है वो अच्छा वॉल्यूम होगा, जिसका बार छोटा होगा वो अच्छा वॉल्यूम नहीं होगा. सिंपल सी बात है, बट नहीं, यहां पे यही ट्रिक है वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करने की. आप जो ये ब्लैक लाइन देख रहे हो ना, देखो यहां पे ये ब्लैक लाइन के नीचे ही पूरे टाइम वॉल्यूम चल रहा है. इतने ज्यादा 10-15 दिनों में सिर्फ दो दिन है जो ऊपर गया, इसको अच्छा वॉल्यूम नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट गुड. सो अच्छा किसको बोलेंगे? अभी देखो यहां पे वॉल्यूम अबव द ब्लैक लाइन दिख रहा है आपको, जस्ट वन मिनट. ओके यहां देखो, यहां पे वॉल्यूम ब्लैक लाइन के ऊपर है, इस जगह पे वॉल्यूम यहां पे भी ब्लैक लाइन के ऊपर है, यहां भी ब्लैक लाइन के ऊपर है, यहां भी. तो इसका क्या मतलब है गाइस, जहां पे हायर वॉल्यूम होता है, हायर वॉल्यूम का सिंपल डेफिनेशन है इट शुड ब्रेक द ब्लैक लाइन. अभी आप बोलोगे तो क्या ये वाला अच्छा है और ये वाला बुरा है? नहीं, वही लगता है कॉमनली लोगों को कि ये जो तीन वॉल्यूम बार दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये अच्छे हैं और बाकी सारे उतने अच्छे नहीं है. बट गलत आंसर. ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंस उतना ही रखता है जितना ये. हाँ ये कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा है, बट आपका काम ये नहीं है नंबर याद करना, 14 मिलियन 10 मिलियन. नो, आपका काम है सिर्फ ब्लैक लाइन क्रॉस हुई वो अच्छा वॉल्यूम है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट वॉल्यूम, दैट व्हेन मार्केट इज गोइंग अपवर्ड्स एंड द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, दिस इज अ अप ट्रेंडिंग स्टॉक. ये अभी तक ऊपर जा रहा है, अगेन यू कैन सी हायर वॉल्यूम्स के साथ ये ऊपर जा रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अब मैं एक काम करता हूं, आपको ना चार केसेस बताता हूं. अभी वॉल्यूम इंडिकेटर हम अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं आपको बताता हूं, ठीक है? फर्स्ट केस, व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड प्राइस इज आल्सो इंक्रीजिंग. मतलब ये देखो यहां पे, लेट्स से ये वॉल्यूम बार्स हैं, ये देखो अभी वो जो ब्लैक लाइन थी वो ऐसी ब्लैक लाइन, ये रही वो ब्लैक लाइन ना, ये देखो. ओके तो कैसे वॉल्यूम्स है इस वक्त, इस समय पे अच्छे वॉल्यूम्स है, कभी मैक्सिमम टाइम ब्लैक लाइन के ऊपर है, कभी कभी नीचे. ओके और प्राइस जब हम देखते हैं तो प्राइस जो है ना हमारा कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है,
क्या मतलब है इस बात का गाइस? अगर मार्केट में प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब बायर्स महंगे में खरीदने के लिए भी रेडी है, मार्केट बुलिश है, मार्केट और बुलिश होता जा रहा है, यार ऐसा क्यों होता है? कोई इंसान बेच रहा है, कोई इंसान खरीद रहा है, क्योंकि जो हो सकता है जो सेल कर रहा है उसका पर्सपेक्टिव है कि यार बेच देता हूं, कल गिर जाएगा, एक हफ्ते बाद गिर जाएगा, एक महीने के बाद गिर जाएगा, फिर कोई क्यों खरीदता है? क्योंकि जो कंपनी खरीद रही है, जो पर्सन खरीद रहा है, वो बोलता है मैं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद बेचूंगा। इसीलिए मार्केट में हमेशा लिक्विडिटी रहती है और वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, तो आपको इन बार्स के थ्रू वो पता चलता है। चलो वापस इस एग्जांपल पे आते हैं। प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब क्या? बायर बढ़ रहा है, सेलर कम हो रहा है? ऐसा कभी नहीं होता। बायर और सेलर नंबर में हमेशा बराबर होते हैं। मतलब बायर भी बढ़ रहे हैं, सेलर भी बढ़ रहे हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट बढ़ रहे हैं, ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता जा रहा है। और प्राइस का क्या हो रहा है? वॉल्यूम अकेले कोई मतलब का नहीं है, वॉल्यूम हमेशा प्राइस के साथ अपन को कंपेयर करना है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, अच्छी बात है, पार्टिसिपेंट बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, मार्केट कैसा है? मार्केट इज स्ट्रॉन्ग बुलिश। ओके, दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट व्हेन यू सी वॉल्यूम में ग्रोथ, प्राइस में ग्रोथ। सिंपल सा एग्जांपल। ओके, दिस इज स्ट्रॉन्ग बुलिश। दूसरा केस लेते हैं। इस केस में भी ना यार, सेकंड केस में वॉल्यूम नहीं प्राइस अभी भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इस बार ना वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा, वो गिरता जा रहा है या बहुत कम हो गया है। मतलब क्या है इस बात का, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या है। पहले वॉल्यूम बार्स बनाते हैं। अच्छे वॉल्यूम थे, कम होने लग गए, एक वॉल्यूम कम होने लग गए, वो जो ब्लैक लाइन थी ऐसी दिख रही थी, ब्लैक लाइन देखो। क्या मतलब है इस बात का? यार इसका मतलब है कि यार वॉल्यूम्स तो श्रिंक हो गए हैं, वॉल्यूम्स तो है ही नहीं मार्केट में, पार्टिसिपेंट कम हो रहा है, लेकिन प्राइस क्या कर रहा है? मैंने बोला ना, वॉल्यूम अकेले कोई काम का नहीं है, प्राइस देखो क्या कर रहा है। प्राइस को जब देखा हमने, तो प्राइस तो फिर से हायर हाई हायर लो ऊपर जा रहा है। क्या मतलब हो सकता है इस बात का? मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन पार्टिसिपेंट कम होते जा रहे हैं, मतलब पब्लिक को किसमें इंटरेस्ट नहीं है? बढ़ते मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है। किसको इंटरेस्ट नहीं बढ़ते मार्केट में? पब्लिक को। पब्लिक आई नहीं रही, पार्टिसिपेट नहीं, क्योंकि पब्लिक डर रही है कि हो सकता है गिर जाए, पब्लिक में फियर है। मतलब क्या है? आप में से कुछ लोग बोलोगे, मतलब सर बियरिश, सेल कर दें, शॉर्ट कर दें? नो, रॉन्ग आंसर। इसका मतलब बियरिश नहीं है, इसका मतलब है वीक बुलिश। ध्यान से सुनना, बहुत डिफरेंस है वीक बुलिश और बियरिश में। वीक बुलिश एक अर्ली साइन है रिवर्सल का, मतलब हो सकता है कुछ समय बाद, बट वो समय कब आएगा किसी को नहीं मालूम। तो गाइस इस समय पे आपको ट्रेडिंग कॉशियसली करनी है। अब ये थर्ड केस में क्या होता है? प्राइस गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ रहे हैं मतलब क्या होता है बताओ आप? मार्केट पार्टिसिपेंट्स कम हो रहे कि ज्यादा हो रहे? मार्केट पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ये बड़े बड़े बार्स बन रहे हैं। ये जो ब्लैक लाइन है मार्केट, उसके ऊपर वॉल्यूम्स बार आपको बार बार प्रोवाइड कर रहा है। मतलब क्या है? पब्लिक पार्टिसिपेंट बढ़ रहा है, पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्या बताया था? अकेला वॉल्यूम देखे कुछ नहीं होता। अब क्या देखोगे आप? प्राइस। प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस आप चेक करते हैं तो प्राइस गिर रहा है। तो अगर मैं इन दोनों बातों को ऐड कर दूं, पब्लिक का इंटरेस्ट कब बढ़ रहा है? जब प्राइस गिर रहा है। मतलब पब्लिक किस में इंटरेस्टेड है? बेरिश मार्केट में। द मार्केट इज स्ट्रॉन्ग बेरिश, द मार्केट इज वेरी वीक, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, शॉर्ट सेलिंग ज्यादा हो रही है, इसका यह मतलब होता है। द मार्केट बहुत ज्यादा अभी और फॉल कर सकता है, यह रिप्रेजेंट करता है गिरते प्राइस में बढ़ता वॉल्यूम। इट्स वेरी सिंपल, राइट? अभी फोर्थ केस देखते हैं। जब फोर्थ केस में क्या होता है? सेम, प्राइस अभी भी गिर रहा है लेकिन इस केस में वॉल्यूम भी गिर रहा है। मतलब ये जो नीचे बार्स थे आपके, ये जो नीचे बार्स थे आपके यहां पे, इनमें क्या हो रहा है? ओके, एक आध बड़ा वॉल्यूम, छोटे 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 छोटे, एक बड़ा वॉल्यूम छोटे, क्या हो रहा है? जो ब्लैक लाइन है उसके अंदर ही चल रहा है। मतलब पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम है, पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है। किस में नहीं है पब्लिक का इंटरेस्ट? प्राइस क्या कर रहा है? यार प्राइस देखा हमने तो प्राइस तो लगातार फॉल हो रहा है। मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक का इंटरेस्ट मार्केट से खत्म होता जा रहा है, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सेलर्स भी बायर्स भी। क्या मतलब है इस बात का? प्राइस तो गिर रहा है, मतलब पब्लिक का गिरते मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या इसका मतलब है मैं बुलिश हो जाऊं? नहीं, वही गलती नहीं करना है, इसको बोलेंगे वीक बेयरिश। इसका मतलब है ये एक अर्ली साइन हो सकता है, माइट बी बुलिश मार्केट का, माइट बी मार्केट रिवर्स कर जाए। बट आप अभी यहां पे एस्ट्रोलॉजी नहीं करेंगे कि अपने मन से आपने बाय कर लिया, आपको बाय करना है, आपको वेट करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम का, प्राइस में भी और वॉल्यूम हाइक में भी, जो केस नंबर वन था। सो इस तरीके से आपको इस कंडीशन को समझना है, यू डोंट गो बुलिश बट यू स्टे कॉशियस। अगर आपने शॉर्ट
पोजीशन ली थी तो आप उसको एग्जिट कर सकते हो। इसका मतलब ये कि हो सकता है मार्केट पलट जाए, बट गारंटी नहीं है, इसीलिए आपको वेट करना है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम का। कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है? 5 मिनट्स में देखना है, 15 में देखना है, 1 आवर में देखना है, 1 डे में देखना है, वीक में देखना है कि मंथ के चार्ट पे देखना है? इसका सिंपल सा आंसर आपको देता हूं, इस इंडिकेटर के लिए नहीं, सारे इंडिकेटर्स के लिए। आपका क्या टाइमलाइन है? आप ट्रेड 1 साल के लिए लेने वाले हो या 6 महीने के लिए लेने वाले हो या 1 दिन के लिए लेने वाले हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर 1 दिन के लिए लेने वाले हो, गो एंड चेक 5 मिनट्स और 15 मिनट्स वॉल्यूम। अगर 1 हफ्ते के लिए ट्रेड करने वाले थे तो 1 घंटों का वॉल्यूम देखो। अगर 1 महीने के लिए ट्रेड लेने वाले थे, गो एंड चेक द डेली टाइम फ्रेम्स। वहां पे जब आपको एक ब्रेकआउट देखेगा प्राइस में, जैसे मैंने बोला आपको, वॉल्यूम एक अधूरा इंडिकेटर है, इसका कोई काम नहीं है अगर प्राइस से कोरिलेट नहीं कर पाए तो। प्राइस से कोरिलेट किए इसलिए तो 4 केसेस बने ना। सो ऑलवेज वॉच आउट फॉर प्राइस एंड वॉल्यूम। अभी टाइम फ्रेम बता दिया, डेली टाइम फ्रेम वो देखेगा जिसको 1 महीने के लिए ट्रेडिंग करनी है। अगर ये वीडियो देख के कुछ नया सीखने मिला, अगर आपको जो 4 केसेस समझाए वो सुन के मजा आया, तो आई वुड लाइक टू सी मैक्सिमम लाइक्स इन दिस वीडियो। आप अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे तो मुझे मालूम चलेगा आपको कैसा कंटेंट पसंद आता है और मे बी आपके लिए उस तरीके का कंटेंट आते रहे। सो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट ऑल्सो। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो या कोई फीडबैक देना चाहते हो, वी वेलकम योर कमेंट्स। एंड इफ यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, दिस विल हेल्प देम ऑल्सो टू बिकम अ बेटर टेक्निकल एनालिस्ट। फाइनली मैं यही बोलूंगा, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको मालूम है कैसा वैल्यूएबल कंटेंट आ रहा है, और नहीं किया हुआ है बस आके क्लिक करके देखते हो तो यू आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो साथ में, ताकि जब भी नया अपडेट आए आपको तुरंत आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आएगा नोटिफिकेशन आइकन पे कि नया वीडियो आ गया है, आपको ज्यादा डेवलपमेंट मिलेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी गाइज, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।